सबसे पहले तो आपको ये दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। ये फिल्म आपको ये बताती है कि आए दिन हमारे भारतवर्ष में इतना हम विकास कर गए, लेकिन कहीं ना कहीं से खबर आती है कि जात धर्म के झगड़े उत्पन्न हो गए, है ना। तो उसी का पड़ताल किया जा रहा है कि आखिर ये कैसे शुरू हो जाते हैं, क्या इसके लिए कुछ लोग जिम्मेदार होते हैं, या सारे लोगों के एटीट्यूड में आज भी वो चीज़ें हैं, दबी हुई है मानसिकता में आज भी है, क्या सामंती सोच खत्म हो गया है, हम जितने आधुनिक हुए हैं उसके साथ क्या रूढ़िवादिता खत्म हो गई। इस कहानी के माध्यम से बड़े रोचक ढंग से, है ना, इस चीज़ का पड़ताल किया जाएगा। और ठाकुरगंज एक ऐसा गांव है जहां सब मिश्रित लोग हैं, सभी बड़े शांति से रहते हैं, लेकिन एक मसले से फिर जात धर्म के झगड़े खड़े हो जाते हैं। बड़ा ही मनोरंजक और बड़ा ही उद्देश्यपूर्ण फिल्म है। दूसरा क्वेश्चन था आपका कि आजमगढ़ में क्यों हम लोग करते हैं। लोग बहुत सपोर्टिव है, इसलिए हम लोग बार बार आजमगढ़ आते हैं, यहाँ शूटिंग करते हैं। एक तो ऐसे ही अपने यहाँ के जो CM साहब हैं मोदी जी, है ना, मुझे तो लगता है कि जिस तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं फिल्मों को, तो रीजनल फिल्मों की इंडस्ट्री कहीं शिफ्ट होकर उत्तर प्रदेश ही ना आ जाए, है ना। बहुत अच्छा उनका सहयोग रहता है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, प्रशासन से बहुत मदद मिलता है, पब्लिक से बहुत अच्छी मदद मिलती है, इसलिए हम लोग आ जाएंगे। फिल्म के निर्देशक आप हैं, सारा दारोमदार आपके हाथों में है, तो कुछ आजमगढ़ के भी कलाकार होंगे इसमें आपकी फिल्म में, कुछ बाहर से भी आए होंगे, किस तरह सामंजस्य बैठा पा रहे हैं और कितना सपोर्ट मिल रहा है स्थानीय स्तर पर आपको? सपोर्ट स्थानीय स्तर पर बहुत मिल रहा है, और कलाकार चाहे वो निवास कहीं करते हों, सब कलाकार एक परिवार का हिस्सा होते हैं, इसलिए सारे कलाकारों के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत प्रतिभावान कलाकार हैं आजमगढ़ में, और तो यहाँ तो मुझे लगता है कि 50% कास्टिंग आपको उत्तर प्रदेश से है, ना। गोरखपुर के आर्टिस्ट हैं, बनारस के आर्टिस्ट हैं, आजमगढ़ के स्थानीय कलाकार लोग हैं, और यहाँ की मीडिया के लोग हैं, वो लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आजमगढ़ बहुत अच्छा लगता है। मतलब टेंशन फ्री होकर आप काम करते हैं यहाँ, तो हर बार लोग जाना चाहता है, जहाँ आतिथ्य मिलेगा वहाँ कौन नहीं जाना चाहेगा। चलिए सर, आपकी फिल्म को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खूब दर्शकों का प्यार मिले ऐसा हम ऐसा विश्वास है हमें। हाँ, इन दर्शकों के प्यार को हासिल करने के लिए तो हम लोग दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, है ना। इस जाड़े में सुबह 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक हम लोग रहे दर्शकों को प्यार पाने के लिए।